अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। दिल्ली हिंसा से जुड़े 3 मामलों में आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ताहिर ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर अर्जी डाली थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। क्राइम ब्रांच को जैसे ही इसकी सूचना मिली, आनंद फानन में क्राइम ब्रांच टीम राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी थी और ताहिर जैसे ही कोर्ट की पार्किंग में गया, उसे क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। अपनी सफाई पेश करते हुए ताहिर हुसैन ने कहा कि मैं पूरी तरह से बेकसूर हूं और खुद दंगा पीड़ित हूं। ताहिर हुसैन ने यह भी बताया कि वो और उनका परिवार खुद दंगाइयों से जान बचाकर भागे थे और इसके बारे में पुलिस को भी जानकारी दी गई थी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ताहिर हुसैन ने कहा कि हिंसा की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हुई, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य था और नाम भी ताहिर हुसैन था, इसलिए साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है। साथ ही उन्होंने कपिल मिश्रा को भी लपेटे में लिया और कहा कि हमारा पुराना साथी है कपिल मिश्रा और मेरे खिलाफ जिस तरह साजिश रची गई है, इसमें उसका भी हाथ है। जब मैं 24 को वहां से निकल गया तो 25 तारीख की घटना में मेरा नाम कैसे आ रहा है? मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, देखना हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है किसी भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, और क्योंकि हमारे कानून ने हमें इजाजत दी थी कि हम अपने वकील से मिलकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं, इसलिए कल हमने कर्कटडोमा कोर्ट में अपनी जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन मुझे मालूम पड़ा है कि मुझ पर कुछ और भी चार्ज लगा दिए गए हैं, तो इसलिए हम लोग अब सरेंडर करने जा रहे हैं। जो भी जिस तरह की भी जांच में सहयोग होगा, मैं पूरा सहयोग करूँगा, बस सत्य जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और सच्चाई ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। मेरी खुद की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं एक वहाँ का आम आदमी पार्टी का काउंसलर था और एक मेरा नाम ताहिर हुसैन था, वहाँ पे जाना माना चेहरा था, इसलिए मुझे षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश। किसने फंसाया आपको? इस वक्त कौन है सर? भाजपा है, जो हमारा पुराना साथी दोस्त रहा है कपिल मिश्रा, उसका कोई इसमें खेल रहा है जो भी वहाँ है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से साजिश रची गई तमाम चीज़ों में, क्योंकि 24 तारीख को मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा हूँ और मुझे लग रहा था कि शायद मैं बचा भी ना पाऊँ अपनी जान को, अपने परिवार की जान को, लेकिन ये ऊपर वाले क्रम रहा। वक्त रहते वहाँ पुलिस पहुँची 7-8 बजे, उसके बाद में पुलिस की मौजूदगी में वहाँ से बाहर निकला। उसके बाद वहाँ कैसे भीड़ पहुँची, कैसे सामान पहुँचा, किसने रखवाया, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी मेरे गेट पर लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ उसकी भी उसके थ्रू भी जो है जाँच की जाए। बता दें कि कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे तब ताहिर हुसैन उनके साथ काम करते थे। क्राइम ब्रांच जांच करेगी और उम्मीद करते हैं जनता को सच से रूबरू कराया जाएगा। फिलहाल ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।